गुड आफ्टरनून फ्रेंड, माय नेम इज़ अविनाश घोरपड़े. एक्चुअली आई हैव रिकॉर्डेड फ्यू वीडियोज़ बिफोर रिगार्डिंग पोएम्स. लास्ट टाइम आई हैव रिकॉर्डेड अ वीडियो कॉल्ड अलिट्रेशन एंड सिमेली. एंड एट दैट टाइम आई वॉज थिंकिंग दैट वाई शुड आई नॉट कम विथ अ वीडियो कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफोर. सो टुडे हियर वी हैव a video called Difference Between Simile and Metaphor. It's a poetic device. The same topic often asked in competitive examinations also. This topic is for 1 mark in 12th examination. Let us see the difference between simile and metaphor. This topic is quite easy to understand. There are several tricks that we need to remember only. Let's see the definition. Simile. What is simile? Simile is a comparing two unlike things that is often introduced by like and as. तो हमें बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है, जब हम फिफ्थ स्टैंडर्ड में थे या सेवन्थ में थे, like और as रहा तो वो simile figure of speech हो जाती है. So this is very easy clue to understand. While reciting the poem, we often pick out the sentence and identify that this is simile. तो वही केस इसमें भी है. एक बार इसका भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और फिर साथ में कंपैरिजन कर लेते हैं. मेटाफोर, इट इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स. अनलाइक वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो दे आर नॉट लाइक, अनलाइक थिंग्स. इट्स अ लिटरल कंपैरिजन. लेट अस सी दिस एग्जांपल. इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बोथ द थिंग्स. ही इज लाइक अ डंकी. तो एखाद्या गाढवासारखा आहे, गाढवासारखा आहे लाइक. सो हियर वी कैन सी दैट इट्स अ इनडायरेक्ट कंपैरिजन. कंपैरिजन, there is a comparison between two things, like he is compared with a donkey. kya koi bhi aadmi donkey ho sakta hai? I don't think so. But here actually we are not comparing he with a donkey, we are comparing he with the qualities of a donkey. Like donkey carries weight, donkey is doing hard work only. It never does smart work. So if a person is very hard worker, laborious, so at that time we can compare that person, that boy with a donkey. That is why he is like a donkey. वो donkey जैसा है. So it's a comparison. और ये क्यों किया जाता है? अगर कोई बहुत ज़्यादा hard worker हो और without doing any smart work वो वही चीज़ें करता हो, तो उस person को definitely, appropriately define करने के लिए आपको कोई words चाहिए. तो ये इस तरह के words use करके हम simile figure of speech को use करके भी हम वो उस चीज़ को बता सकते हैं, क्योंकि उसका important तभी समझ में आएगा. लेकिन बात वहीं तक नहीं रुकती है, बात और आगे जाती है. लेकिन मुझे कहना है कि वो डंकी जैसा है, लेकिन उसको और जाके और आगे जाके उसको कहना है कि वो डंकी ही है. फॉर एग्जाम्पल, उसकी और उस डंकी की जो फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटीज़ है, वो इतनी मैच होती है कि वो डंकी है, मतलब वो उसी तरह का है. तो इस केस में अगर वो बात करना है आपको, तो आप इस मेटाफोर, इस फिगर ऑफ स्पीच में आ सकते हैं, या ही इज़ अ डंकी, वो डंकी ही है. ऐसा बहुत बार होता है. मैं एग्जाम्पल बताऊँगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई लड़का बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा हो, क्रिकेट खेलता बहुत अच्छा, और उसको कोई देख के कहे कि वो ही इज़ लाइक अ सचिन, वो सचिन जैसा है, मतलब सचिन की जो स्टाइल है प्ले ऑफ, जिस तरह से वो खेलता है उसी तरह से वो खेल रहा है, इसलिए स्टाइल को कंपेयर कर रहे हो, इसलिए वो सचिन के जैसा है. लेकिन वो कभी कभी ऐसे ड्राइव मारता है या जिस तरह से वो ग्लांस करता है, एग्जैक्टली सचिन ही है वो ऐसे. तो उस वक्त का जो एग्जाम्पल रहेगा, ही इज़ अ सचिन, मतलब वो बिल्कुल सचिन ही है. तो यहाँ सचिन एक ही है जो हमारे इंडिया में इंडियन क्रिकेटर है, लेकिन सचिन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, क्वालिटीज़ है, उसकी कंपैरिजन हम बहुत सारे लोगों के साथ कर सकते हैं. तो यहाँ बात सचिन की नहीं हो रही है, उसके क्वालिटीज़ की हो रही है, हम उस क्वालिटी की बात कर रहे हैं. तो बात जल्दी समझ में आती है. हम अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. बहुत सारे एक्टर्स है जो शायद अमिताभ बच्चन को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो वो ही और शी इज़ लाइक अमिताभ बच्चन, लेकिन वो लिटरल में अमिताभ बच्चन नहीं है. इट्स अ लिटरल मीनिंग. तो उसका मतलब यह होता है कि उस तरह की क्वालिटीज उसमें है. वी हैव एन अनदर एग्जाम्पल. दिस इज एन एग्जाम्पल आई हैव टेकन फॉर मूवी. द पुलिस ऑफिसर इज लाइक सिंगम, इज लाइक सिंगम. सिंगम इज अ टर्म, इट हैज बीन डिराइव फ्रॉम बॉलीवुड, सिंगम. तो कोई भी ऑफिसर जो फियरलेस है, या फिर रूल्स को फॉलो करता है, या फिर इनजस्टिस वगैरह होने नहीं देता, जैसे टिपिकल स्टीरियोटाइप हीरो ऑफ अ बॉलीवुड,
तो इस तरह के लिए एक टर्म्स अभी आ चुकी है, उसका नाम है सिंगम। तो अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपके एरिया में इस तरह से है तो बहुत लोग ऐसे बोल सकते हैं कि द पुलिस ऑफिसर इज लाइक सिंगम, वो लाइक वर्ड यू नो वी एम्प्लॉय इन सिमिली फिगुरा स्पीच, तो वो उस जैसा है, मतलब वो सिंगम जैसा है। लेकिन बात को और आगे लेके जाते हैं हम, अगर कोई ऑफिसर कंप्लीटली उसकी क्वालिटीज 100% उसी तरह की हो तो एट दैट टाइम जस्ट टू यू नो इम्पैक्ट योर सेंटेंस, सो वी कैन से दैट द पुलिस ऑफिसर इज सिंगम, वो सिंगम ही है। तो पुलिस ऑफिसर कोई एक सिंगम हो सकता है, वो सभी नहीं हो सकते। तो आई एम टॉकिंग अबाउट हियर क्वालिटीज ऑफ दैट पर्सन सिंगम। ओके, सो दीज आर टू एग्जाम्पल्स, वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स, देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल आई हैव, दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। यू नो कैट्स एंड डॉग्स आर टू डिफरेंट एनिमल्स and they never live together, so they squarrel often, actually they often squarrel, so that is why when a siblings squarreling with each other, at that time we can use this phrase cats and dogs. So they fought like cats and dog, wo kutte billi jaise jhagad rahe hai, is tarah ka example hum us waqt de sakte hai. Aage jaake wo एग्जैक्टली वैसे ही करते हैं और हमें उसके जैसे नहीं, वो वही है ऐसे बोलना है, तो वी कैन से दे आर कैट्स एंड डॉग्स। तो कोई भी दे, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ए ह्यूमन बींग्स, हाउ कैन बी दे अ कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स इज अ एनिमल, एब्सोल्यूटली। सो लिटरली इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस सीम्स इनकरेक्ट, बट माई डियर फ्रेंड देर इज अ हिडन मीनिंग, यू नो देर इज अ मीनिंग बिटवीन वर्ड्स and that we need to understand. तो ये दो चीज़ें आपको शायद समझ में आएंगी। I have written so many sentences by comparing simile and metaphor, by giving the same examples. Another example is very famous, very often so many person, renowned person has been uttered the same sentence, like time is as precious as money. Time जो है वो उतना ही precious है जितना money है। तो दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन टाइम एंड मनी, वो उतना ही प्रीशियस है, वेरी ट्रू एग्जांपल एक्चुअली। लेकिन क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि टाइम इज अ मनी, क्योंकि पैसा ही तो मनी, टाइम ही तो मनी है, उसी के तो हमें पैसे मिलते हैं, सो देन टाइम इज अ मनी। अगर इस तरह का सेंटेंस आपको कहीं दिखा, सो इट्स अ मेटाफोर, आपको एक बात समझ आ चुकी होंगी, क्योंकि वी कैन इजिली पिक आउट एज लाइक, बट हियर ऑल्सो लाइक, बट वॉट अबाउट मेटाफोर, उसमें देर इज नो वर्ड लाइक यू नो लाइक और एज, सो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इट्स अ मेटाफोर। सो बाय प्रैक्टिसिंग यू कैन इजिली आइडेंटिफाई इट्स अ मेटाफोर। आई सिंपली वॉन्ट टू गिव द फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, लाइक टाइम इज मनी। लास्ट ईयर आई टॉट अ पोएम, अ वूमन इज पीस, अ वूमन इज पीस, एक स्त्री जो है, एक औरत जो है वो शांति का प्रतीक होती है। अ वूमन इज पीस, इसका मतलब एक वूमन पीस कैसे हो सकती है, इट्स अ एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ह्यूमन बींग, लेकिन वूमन में स्पेशली वीमेन्स में वो क्वालिटीज होती है, इसलिए वहाँ पोएट्स को लगा कि हम उसको मेटाफोरिकली डिफाइन करें, ये मेटाफोरिकली डिफाइन किया गया है, तो इसलिए बोला कि अ वूमन इज पीस। तो ये एग्जांपल्स हमने देखे टाइम इज मनी वाला, मैं लास्ट एग्जांपल्स पे जा रहा हूँ और वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स एक्चुअली वी हैव। लव इज लाइक अ बैटलफील्ड, यू नो लव इज वन ऑफ द वंडरफुल थिंग्स मेड बाय द नेचर, एंड हाउ कैन बी इट इज अ बैटलफील्ड, बैटलफील्ड इज समथिंग वेयर यू नो शेडिंग ऑफ बर्ड्स ब्लड्स एंड यू नो फाइटिंग विथ ईच अदर, so such a violence condition is over there, and love is something different, love is a contrast term actually, completely contrast term, but still here poet compares two different things like love and battlefield. So in love also we need to struggle a lot in order to get your true love, so that is why in that sense poet compares here two different unlike things, you know, by using a figure of speech called simile, and the word like is used here. So like is a clue that so that you can easily identify the simile. Another example, one of the greatest example we have, Shakespeare, world greatest playwright. You know, in As You Like It, it is a comedy actually. See the sentence, all the words a stage
and all the men and women are merely players. ये पूरी दुनिया जो है एक रंगमंच है और इस रंगमंच की हम सब कठपुतलियाँ है, प्लेयर्स है। तो यहाँ एक रंगमंच की कंपैरिजन, पूरी दुनिया के साथ की गई है और हम जैसे लोग जो है वो प्लेयर्स है। आगे जाके वो ये भी बोलते हैं कि गॉड्स इज डायरेक्टर और गॉड इसको डायरेक्ट कर रहे हैं सभी चीज़ों को। तो दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ में कंपेयर करने के लिए उसका इतना ज़बरदस्त इंप्रेशन क्रिएट किया उस चीज़ों का, तो हमें समझ में आया कि ये पूरा वर्ल्ड जो एक स्टेज जैसा है और यहाँ हमेशा ही कुछ अलग अलग एक्ट्स होते रहते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द आइकॉनिक सेंटेंसेज दैट आई हैव बोरोड, आई हैव टेकन फ्रॉम एज यू लाइक इट। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसकी कंपेरिजन हम कर सकते हैं बाई यूजिंग सिमिली एंड मेटाफोर। These two terms are very easy. I know that I have been experiencing one thing, that simile is very easy to understand. But on the other hand, if I talk about metaphor, तो metaphor के लिए आपको थोड़ा सा literal sense होना चाहिए. While reading that content, आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ poet को कहना क्या है. तो वो थोड़ी सी बाय प्रैक्टिस से आने वाली चीज़ है, आपको आपके जो टीचर्स है वो बताएंगे ही वैसे हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन अगर वो देते होंगे तो। लेकिन मुझे लगता है कि आज जो मैंने ट्रिक्स आपको बताई है वो ट्रिक्स आपको हेल्प करेंगी कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफोर। मेटाफोर जो है वो डायरेक्ट कंपेरिजन है, सिमिली जो है वो इनडायरेक्ट कंपेरिजन है। सिमिली में एज और लाइक जैसे वर्ड आते हैं इसलिए आपको ईजिली आइडेंटिफाई करना आता है आपको, लेकिन मेटाफोर में उस तरह के वर्ड्स आते नहीं है, वो चीज़ को वही चीज़ कहा जाता है लाइक दिस। तो ये सब चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो आई लीव यू विद दिस वाइट बोर्ड सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर फर्दर स्टडीज। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग सिमिली एंड मेटाफोर यू कैन आस्क मी पर्सनली, यू नो यू हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर एंड वी विल ऑल्सो अरेंज द टेस्ट ऑन द सेम टॉपिक। थैंक यू सो मच।